हेलो स्टूडेंट्स, हियर आई एम मनीषा वर्मा, योर साइंस टीचर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नाउ फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन द टू टाइप्स, कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट द कॉन्टेक्ट फोर्सेस. इन द कॉन्टेक्ट फोर्सेज द फर्स्ट टाइप इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स यानी कि जो मसल्स के द्वारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लगाया जाए उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. हम किसी बुक को उठा लें, पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा लें, हम अपने बैग को कंधों पर टांग करके स्कूल जाते हैं, या कोई भी चीज़ हम हाथ में लेकर के चीज़ को लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें मस्कुलर फोर्स में आती हैं. तो अब हम लोग इसमें वन बाय वन करके सारे फोर्सेस के बारे में जानेंगे. हम जैसे किसी भी स्कूल बैग को खसकाते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स हमारी बॉडी के मसल्स से आया. सो वी कैन से दैट द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स. हमारे मसल्स के एक्शन के कारण जो फोर्स आया उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. और हमारे मस्कुलर फोर्स के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे डाइजेस्ट, जो हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स होते हैं वो डाइजेशन कराते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा फूड को अंदर नीचे धकेला जाता है इंटेस्टाइन में. सो इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स. एंड लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो लंग्स के अंदर जो मसल्स होते हैं वो एक्सपैंड, फूलते और सिकुड़ते हैं ब्रीदिंग के दौरान. इस प्रकार से ये मसल्स जो लोकेटेड होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी काम करते हैं. इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि मसल्स, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं. इसी तरह से एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि गाड़ी को खींचते हैं, जैसे एनिमल लाइक बुलक्स, हॉर्स, डंकीज, कैमल, दे आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस. तांगा है, या आप देख रहे हैं सामान ले जा रही है बैलगाड़ी, या हल को खींचते हैं. किसान जब खेत में जाता है, हल चलाता है, तो हल को खींचते हैं ऑक्स. तो ये सारे मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मस्कुलर फोर्स है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, यानी कि मसल्स के कॉन्टेक्ट में जब सामान आ रहा है तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है. तो इस प्रकार से दिस इज़ ए कॉन्टेक्ट फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. आप देखते हैं कि जब कभी एक बॉल ज़मीन पर लुढ़कती है तो धीरे धीरे वो उसकी गति, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्पीड है, धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वो बिल्कुल रुक जाती है, स्पीड ज़ीरो हो जाती है, कम्स टू रेस्ट. इसी प्रकार से जब हम साइकिल में पैडल मारना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे ये गति धीमी हो जाती है और अंत में ये रुक जाती है. कार और स्कूटर भी धीरे धीरे रुक जाता है. अगर हम इसका इंजन भी अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो थोड़ी दूर चलती है, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि ये रुक जाती है, यानी ये रेस्ट पोजीशन में आ जाती है. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम ये चीज़ें पढ़ सकते हैं. हम लिखते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, हम ड्रॉ करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, हम सड़क पर चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, माचिस में तीली रगड़ती है तो फ्रिक्शन के कारण, जूतों और ज़मीन की सतह के बीच फ्रिक्शन लगता है, कागज़ और पेन के बीच में फ्रिक्शन लगता है, पेंसिल छीलते हैं तो पेंसिल और ब्लेड के बीच में फ्रिक्शन लगता है. देयर आर ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल विच कैन डिफाइन द फ्रिक्शन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड. अगर बाल को लुढ़काते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है जो कि मूव करती हुई बॉल को
रेस्ट पोजीशन में ले आता है। इसी प्रकार से वाटर और बोट के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो धीरे धीरे नाव चलनी बंद हो जाती है। तो फोर्स और फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मूव करती हुई चीज़ पर लगता है और इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको रोकने का प्रयास करता है, उसको स्टॉप करने का प्रयास करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस प्रकार से ये कॉन्टेक्ट फोर्स होता है और ये हमेशा उसकी गति का विरोध करता है, अपोज द मोशन। इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन, इट एक्ट्स इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि इन चीज़ों के लिए फ्रिक्शन और जो हमने पहले पढ़ा था मस्कुलर फोर्स, इसमें इन फोर्सेस में इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। Now we will discuss about the another non-contact force that is called electrostatic force. We can see, take a plastic straw and cut it into nearly two equal pieces. आपने एक स्ट्रॉ ले लिया, उसको टू पीसेज में काट लिया, वन पीस को आपने टेबल पर लटका दिया एक धागे से। You can see in this picture clearly. आपने इसको धागे से लटका दिया। अब आप क्या करेंगे कि एक दूसरे स्ट्रा को एक कागज़ पर, साफ़ कागज़ पर रगड़ेंगे और इसके पास आप लाएंगे, लेकिन टच नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि पहले तो आपने इसको रगड़ा था, अब की आप जो लटका हुआ है इसको आप रगड़ेंगे। फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रा विद अ शीट ऑफ पेपर यू कैन रब अगेन, ब्रिंग द पीस ऑफ एक्स्ट्रा दैट वॉज रब्ड अर्लियर, पहले जो हमने इसको रगड़ा था इसके पास हम लाएंगे। देन वॉट कैन यू ऑब्जर्व, यू कैन सी एक्स्ट्रा इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो सच एक्स्ट्रा इज एग्जाम्पल एन चार्ज बॉडी। द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए चार्ज अनचार्ज चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स जो एक चार्ज बॉडी के द्वारा लगता है ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये कहाँ से आया, बिना कांटेक्ट के है, कागज़ से जो रगड़ा था उसके जो चार्जेस हैं इसमें ट्रांसफ़र हो गए, इस तरीके से ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। नदियाँ ऊपर से नीचे बहती हैं, फल पेड़ों से नीचे गिरते हैं, हम किसी भी पत्थर को ऊपर उछालते हैं तो वो आसमान में क्यों नहीं जाता है, वो नीचे आ जाता है। हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं और हम पत्थर को उछालें तो वो हमेशा नीचे ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन एक बार किसी बगीचे में बैठे थे तो उन्होंने कुछ सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे कि सेब का एक फल उनके सामने आकर के गिरा। वो सोचने लगे कि ये नीचे क्यों गिरा, उन्होंने उसको ऊपर उछाला फिर वो नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा, सोचा कि ये आखिर नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्होंने इस फोर्स का पता लगाया। देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टेटेड बाय द न्यूटन। सो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ को हम ऊपर उछालें तो नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी चीज़ हमेशा नीचे गिरती है पृथ्वी की तरफ क्योंकि ये उसको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी या
ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. हर समय हर ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी एक फोर्स लगाती है विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द टाइम विदाउट वन बींग अवेयर ऑफ इट. हमें पता भी नहीं चलता है. वाटर बिगेंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड. ग्राउंड की तरफ जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है. जब हम पानी खोलते हैं या नदी ऊपर से नीचे बहती है. नदियां हमेशा पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं. और हम ये देखते हैं ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट ए प्रेशर ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स.